आपराधिक घटनाओं से पूर्व ही अपराधियों पर लगेगी लगाम। एसपी बेवर, आपराधिक घटनाएं होने से पूर्व ही पुलिस की कोशिश रहेगी कि वह अपराधियों पर लगाम लगाए। जनपद में आए अभी 2 माह ही बीते हैं, कोशिश हो रही है कि पूरे क्षेत्र को समझा जाए। उक्त बातें एसपी अजय कुमार पांडे ने रविवार को पुलिस चौकी नवीगंज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के समय कही। उन्होंने कहा कि अराजक तत्व पर बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्यवाही होगी। हालचाल दस्ता सूचना जुटाने का काम कर रहा है, उनकी कोशिश रहेगी कि असामाजिक तत्व को सलाखों के पीछे भेजा जाए। रविवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने नवीगंज चौकी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। बताते चलें कि वर्ष 1960 में नवीगंज में पड़ी एक डकैती के बाद से नवीगंज चौकी शुरू हुई थी, जो अब तक किराए के भवन में संचालित थी। अब नवीगंज चौकी का नया भवन बन गया है, इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। एसपी ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन, प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही, चौकी इंचार्ज अभिमन्यु मलिक, अनुराग गुप्ता, लाल बेटा, जसकरण कठेरिया, रंजीत मिश्रा, नीतू ढाकरे, प्रवीण यादव, सहवीर यादव, मिथुन यादव, आकाश प्रताप, सुमित सिकरवार, विजय सिंह बैस, सोनू बैस आदि लोग मौजूद रहे। आम आदमी, गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, लाचार आदमी, उसके सम्मान को कोई ठेस न पहुंचाए, उसका कोई उत्पीड़न न करने पाए। हम लोग दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसा अभी किसी भाई ने कहा, किसी ग्राम के प्रधान साहब ने, कि हमने एक हालचाल दस्ता बनाया हुआ है। वो हालचाल दस्ता आप लोगों से फोन करता है और पूछता है कि आप लोगों के आसपास कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो पनप नहीं रहे हैं, कोई आपराधिक घटना तो नहीं हो रही है, जुआ सट्टा शराब तो नहीं हो रहा है, और किसी महिला से छेड़खानी तो नहीं हो रही है, कोई सांप्रदायिक तनाव तो नहीं हो रहा है, कोई आपस में जातियों में झगड़े की संभावना तो नहीं है। इस तरह की बातें हमारा हाल चाल दस्ता रोज। मुझे खुशी है कि एक प्रधान जी ने इस बात का जिक्र किया। हमारा लक्ष्य यही है कि बड़ा अपराध होने से पहले ही जाए, ताकि आम जन